बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एट सलीम हबीब स्कूल। इट्स आर साइंस क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम पेज नंबर 14। प्लीज़ ओपन योर बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू। डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, आज हमने करने हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर। इन द वेरी स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल से स्टडी किया था। आज हमने देखने उसके डिसऑर्डर, जो उसमें क्या रहती है डिसऑर्डर, कोई बीमारी जो आ जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, कोई मिसहैप हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, उससे आज हम स्टडी करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के दो मेन डिसऑर्डर जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, फर्स्ट वन इज इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का मतलब है कि फूड डाइजेस्ट ना हो प्रॉपरली। इनडाइजेशन के दो रीजंस होती हैं, या तो हम लोग फूड बिल्कुल ना ले रहे हैं, सपोज कुछ लोगों का आदत होती है वो खाना प्रॉपरली डेली बेसिस पे नहीं लेते, मतलब जो अपना मील टाइम है 3 ब्रेकफास्ट लंच और डिनर वो प्रॉपरली नहीं लेते, ऐसे लोगों का स्टमक भी यूज टू हो जाता है, उन्हें फूड अगर वो अचानक से लेना शुरू कर दे ज़्यादा तो उन्हें इनडाइजेशन हो जाती है। क्लियर है? एक इनडाइजेशन का ये काज है कि अगर हम लोग इरेगुलर फूड खाएं या हम लोग बहुत ज़्यादा फूड खा लें, बहुत स्पीड से फूड को खाएं च्यूइंग के बगैर, तो उससे चांसेस हैं इनडाइजेशन के। क्लियर है? इनडाइजेशन जब होगी तो उसमें दो सिचुएशंस होती हैं, या तो डायरिया हो जाएगा या हो गए कॉन्स्टिपेशन। डायरिया में होता है कि बॉडी से एक्सेस में वाटर रिमूव हो जाए, अंडरस्टैंड? डायरिया में बॉडी से वाटर एक्सेस में रिमूव होता है। कॉन्स्टिपेशन में होता है कि एक्सेस में वाटर बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाए। इंडाइजेशन के दो रिजल्ट्स होते हैं, दोनों सिचुएशंस ही पेनफुल होती हैं, अंडरस्टैंड? और अगर तो डायरिया हो जाए तो फिर बॉडी में क्या होती है, वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है। ऐसी सिचुएशंस में फिर आपको मोस्टली टैबलेट्स या लिक्विड रिकमेंड करते हैं। आपने देखा होगा कलरफुल डिफरेंट फ्लेवर्स की बोतल होती हैं, वो रिकमेंड करते हैं कि आपने 24 आवर्स में 2 to 3 बोतल्स क्या हैं लेनी है। अगर तो बहुत सीवियर सिचुएशन हो, अगर सपोज कॉन्स्टिपेशन में बहुत सीवियर सिचुएशन हो जाए, तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि आपने लैक्सेटिव लेनी है। लैक्सेटिव वर्ड होते हैं कि रिलीफ के लिए, वो मेडिसिन जो इंसान की बॉडी को रिलीफ दे, अंडरस्टैंड? लैक्सेटिव या मेडिसिन देते हैं। अदरवाइज फर्स्टली डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप फ्रूट्स या वेजिटेबल लेके बॉडी को खुद ब खुद रिपेयर करने की कोशिश करने दें। क्लियर है? इंडाइजेशन के ये दो रिजल्ट होते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज अल्सर। अल्सर होते हैं, आपको पता है हमारे स्टमक में जो है उसका मेन फंक्शन है प्रोटीन की डाइजेशन, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना है। अब जो स्टमक की वॉल्स होती हैं, ये जो स्टमक की वॉल्स होती है जे शेप होते हैं, स्टमक की जो इनर वॉल होती है ये प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। और आपको पता है हमारी बॉडी में स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस और एसिड प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। गैस्ट्रिक जूस का क्या फंक्शन होते हैं? प्रोटीन की डाइजेशन एंड एसिड के फंक्शन। ओके, स्टमक की जो इनर लाइन होती है वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, और स्टमक में दो जूसेस प्रोड्यूस होते हैं, गैस्ट्रिक जूस एंड एसिड। गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन है प्रोटीन की डाइजेशन करना, जो भी प्रोटीन फूड होगी उसे ब्रेक डाउन करना है। क्लियर है? और एसिड का फंक्शन है जर्म्स को किल करना, कि अगर फूड में सपोज हमारी फूड का इम्प्योर है तो उससे क्या करना है, उन जर्म्स को किल करके हमारी बॉडी से रिमूव करना। अब देखिए, अगर ये एसिड स्टमक में एक्सेस में प्रोड्यूस हो जाए, एक होता है कि लिमिट के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, जितनी फूड आ रही है उसे डाइजेस्ट कर रहे हैं, अगर यही एसिड स्टमक के अंदर एक्सेस में प्रोड्यूस हो जाए, एक्सेस में होगा इट मीन्स कि वो फूड को तो डाइजेस्ट करेगा, फूड में से जर्म्स को रिमूव करेगा, एट द सेम टाइम वो क्या करेगा, स्टमक की वॉल्स को क्या करना शुरू कर देगा, खाना शुरू कर देगा। ये भी प्रोटीन से मिलकर बनेंगे, एंड जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसका फंक्शन भी क्या है, प्रोटीन की ब्रेक डाउन करना। उसने फूड के साथ साथ क्या करना है, इस स्टमक की लाइनिंग को भी क्या करना है, खाना शुरू कर देना है, उसमें डिफरेंट मतलब मिसहैप क्रिएट करेगा। जब ये लाइनिंग को खाएगा इट मीन्स कि उसकी लाइनिंग डैमेज हो जाएगी, लाइनिंग डैमेज होगी सीवियर सिचुएशन में, तो अल्सर में ऐसे होता है कि स्टमक की यहाँ पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, वो सबसे सीवियर सिचुएशन होती है। अब ये देखिए, अब स्टमक की एसिड एक्सेस में प्रोड्यूस हो गया, स्टमक के हमारा ब्लीडिंग स्टार्ट, वो पेनफुल होते हैं। अब देखिए स्टमक की बहुत डैमेज है, अंदर से ब्लीडिंग हो रही है, जब अगर हम दोबारा से फूड स्टमक को भेजेंगे उसने डाइजेशन करनी है, एसिड प्रोड्यूस करना है, उनकी लाइनिंग को लगे क्या करेगा, पेन देगा पूरी बॉडी को, तकलीफ में पूरी बॉडी आएगी। अब इस चीज़ को हमने रिकवर कैसे करना है, इसकी सिचुएशन में जब सीवियर सिचुएशन है अंडरस्टूड है कि मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, लेकिन ऐसे सिचुएशन के इन द वेरी स्टार्ट में डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप एग लें या प्रोटीन फूड लें, मिल्क लें। एग और मिल्क में क्या होती है, प्रोटीन होती है। प्रोटीन जब हम फूड लेंगे तो वो क्या करेगा, स्टमक की लेयर के लिए एक लेयर बना लेगा, एग और जब मिल्क जाएंगे वो एक लेयर बना लेगा, जो डैमेज हुई होगी लेयर उसे क्या करेगा, कवर कर लेगा, और
थोड़ा सा पेन से क्या होगा, रिलीफ मिल जाएगा। अदरवाइज ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर्स क्या है, मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये बहुत अल्सर बहुत पेनफुल होती है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज ऑन पेज नंबर 15। आज हमें जस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेफिनेशन करनी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं सांस लेने के अमल को कहते हैं, जिसमें हम लोग नोज के थ्रू सांस लेते हैं। अब हम लोग, आपको पता है, सांस लेते हैं इट मीन्स कि हम लोग एयर से ऑक्सीजन को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। हमारे नोज का फंक्शन ही क्या है, ईयर में इतनी जितनी ऑक्सीजन से कैप्चर करके हमारी बॉडी के अंदर लेके जाना। अब हमने ऑक्सीजन ले ली, ये हमारी बॉडी में कहाँ जाएगी? जब हमने ऑक्सीजन एयर से ले ली, इसने हमारी बॉडी में जाके, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था इन द वेरी स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब था ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फूड को ब्रेक डाउन करके लिक्विड में चेंज करना। लिक्विड में चेंज करके वो हमारे ब्लड का पार्ट बनेगी। जब तक फूड हमारे ब्लड का पार्ट नहीं बनेगी, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, इट मीन्स कि उसकी डाइजेशन कम्प्लीट नहीं हुई। डाइजेशन फाइनल होगी, फूड हमारे ब्लड का पार्ट बन गई। अब फूड हमारे ब्लड का पार्ट है, लेकिन उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, रेस्पिरेशन के थ्रू उसके पास ऑक्सीजन नहीं आई, वो फूड का कोई फायदा नहीं हुआ बॉडी को। अब क्या होगा, डाइजेशन कम्प्लीट हुई, एट द सेम टाइम रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, उसमें एयर से ऑक्सीजन क्या करेगी, हमारे ब्लड में, पहले नोज से जाएगी, ट्रैकिया के थ्रू क्या करेगी, लंग्स में जाएगी। लंग्स में होते हैं एल्वेलाई, वो क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को ब्लड का पार्ट बनाते हैं, उसी ब्लड में क्या होती है हमारी फूड। इट मीन्स कि हमने सिंपली रेस्पिरेशन में अपनी फूड को क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करनी है। जब तक हमारी फूड के अंदर ऑक्सीजन ऐड नहीं होगी, उसका क्या होगा, उसका बॉडी को कोई फायदा नहीं, रेस्पिरेशन कंप्लीट नहीं होगी। ओके, रेस्पिरेशन में आज हम जनरली जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे। रेस्पिरेशन में हम लोग ऑक्सीजन टेक इन करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं थ्रू नोज, नोज के थ्रू अंदर लेके जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, गिव आउट करते हैं, मुंह के थ्रू क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। क्योंकि जब भी ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीजन फूड का पार्ट बनती है ब्लड में, उसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में। वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं हमारी, उसका हमारी बॉडी के लिए कोई फायदा नहीं है, तो उसे हमने क्या करना है, एक्सहेल करना है, अपनी बॉडी के अंदर से निकाल लें। ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह रेस्पिरेशन के प्रोसेस को डिटेल से स्टडी करेंगे कि किस तरह फूड एयर से हमारी बॉडी के अंदर जाती है, वो हमारे ब्लड का फूड का पार्ट बनती है और हमारी बॉडी को फायदा बन जाती है। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।